सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए शब्दसाहूर्णं मंगलं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंता दि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानि को करिय सत्ता नाश करिय सत्ता नाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा विरचित यह अद्भुत ग्रंथ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी जो कि भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, मोक्ष के मार्ग को सरल रूप में सहज रूप में प्रकाशित करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा इस विषय पर चल रही है कि हम दुखी क्यों हैं। देखो, क्यों के दो आंसर होते हैं, एक तो होता है कारण की अपेक्षा और एक होता है उपाय की अपेक्षा। तो दुखी क्यों हैं, इसका कारण तो पंडित टोडा मुझे दूसरे अधिकार में बता चुके हैं कि हम दुखी क्यों हैं, लेकिन जो हमारा दुख है वो दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, हम दुखी क्यों बने हुए हैं। हम प्रत्येक समय उपाय करते हैं, प्रत्येक जीव उपाय करता है, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है और प्रत्येक जीव जो भी उपाय करता है वो सुखी होने के लिए ही करता है, लेकिन फिर भी वह जीव सुखी नहीं हो रहा है। सुखी होने का उपाय करने के लिए जो जीव उपाय कर रहा है उस उपाय से सुखी होने की बजाय वह और दुखी हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, उसकी चर्चा पंडित टोडामल जी तीसरे अधिकार में कर रहे हैं कि हम जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय सही है कि नहीं है। यदि उपाय सही है तो कार्य होना चाहिए था और कार्य तो हुआ नहीं, सुखी तो हुए नहीं, और सुखी नहीं हुए तो उपाय गलत है, उपाय झूठा है, और उपाय झूठा है तो सच्चा उपाय क्या है, किस उपाय को करके हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा वो सुखी होने का उपाय इस तीसरे अधिकार में पंडित टोडामल जी ने बड़ी सुंदरता से बताया है, जिसमें सर्वप्रथम हमने कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है, 8ों कर्मों की अपेक्षा हमने जीवों के दुखों को देखा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं पर्याय की अपेक्षा पे कि कर्मों की अपेक्षा तो हमने एक देख लिया, एक कॉमन देख लिया है ना, एक कॉमन वे देखा था हमने कि ये 8 कर्म है, इन कर्मों से सारे जीव किस प्रकार दुखी हैं। और अब हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर जीव पर जा रहे हैं, पहले हम कर्मों पे गए थे, पर्टिकुलर कर्म पे गए थे और जीव हमारे सब कॉमन थे, हमने कॉमन लिया हुआ था, एक जीव को लिया हुआ था बस, लेकिन अभी हम जीवों में भी पर्टिकुलर जीव पर जा रहे हैं, एक इंद्रिय पर जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ऐसे पर्टिकुलर जीव पर जाकर देखेंगे क्या दुख है उसको और क्या उपाय कर रहा है और क्या उपाय करना चाहिए था। तो उस पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें सर्वप्रथम हम एकेंद्रीय जीव किस प्रकार दुखी हैं, एकेंद्रीय जीवों के क्या दुख हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर का हमने देखा था
ये फॉर्मूला देखा था हमने कल, दुख का, कषाय का और ज्ञान का, ये देखा था ना कि नहीं? ये नहीं देखा था, दुख के कषाय का और शक्ति का, कि जीव की सामर्थ्य कितनी है, ये सामर्थ्य कषाय और दुख, कि किस रेशो में दुख बढ़ता है, किस रेशो में दुख कम होता है, तो वो हमने कल देखा था। तो उससे हमने ये पता किया था रियल में, वास्तव में, कि एक इंद्रिय जीव जो है वो किस प्रकार दुखी है, कितना दुखी है। हम देखो, इसमें आया था कि उनकी लास्ट वाले पैराग्राफ में आया था, इस लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार पूरा, कि तथा ऐसा जानना कि जहां कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, वह बहुत दुख होता है, और ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए और शक्ति बढ़ती जाए, त्यों त्यों दुख कम होता है। परंतु एक इंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसीलिए एक इंद्रिय जीव महादुखी है। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं, इतने दुख हैं उनके। जैसे हम कहते हैं नरक के दुखों को केवल भगवान ही जानते हैं, या तो जीव भोग रहा है वही जानते हैं, तो नरक के दुख में तो संगी पंचंदी पर्याय है। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि एक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, इतना सा ज्ञान है। एक नरक में तो काफी अच्छे अवसर है, नरक का अच्छे अवसर तो बहुत सारा है। नरक का जीव तो विचार करके समय तस्वीर ग्रहण कर लेता है, और नरक के दुखों की ऐसा कहा जाता है कि भैया केवली भगवान ही जानते हैं, या जो भोग रहा है जी वही जानता है, तो एक इंद्रिय के दुखों की तो क्या कहें हम, कि ये जो शब्द है ना कि केवल भगवान जानते हैं, ये भी बहुत कम है, और इससे ज्यादा क्या कहें। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी ना कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति हीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है, तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसीलिए भी दुखी ही होते हैं। यहां तक हमने कल चर्चा की थी इन चार घातिया कर्मों की, ज्ञानावान, दर्शनावान, मोहिनी और अंतराय, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हमने चरित्र मोहिनी की चरित्र मोहिनी किस प्रकार उसको कषाय हो रही है। भाई वृक्ष खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ वृक्ष है, लेकिन फिर भी उसके सारे कषाय मौजूद हैं, और कषाय भी कैसी हैं कर हमने देखा था, कैसी कषाय है उसको, तीव्र कषाय है। उसके परिणाम कैसे हैं, तीन अशुभ लेश रूप है, कृष्ण नील कापोत रूप, तो उसकी वो कषाय भी तीव्र है, क्रोध भी उसका तीव्र है, मान भी उसका तीव्र है, माया लोभ नौ कषाय आदि सब उसके तीव्र रूप से हैं, लेकिन हमको लगता नहीं। उसका हमने कविता देखा था कि हम कैसे माने कि एक जो वृक्ष खड़ा हुआ है, वृक्ष क्रोध करता है, ये मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, कैसे माने हम, ये पाप आचरण में प्रवृत्ति करता है, ये पूरे पाप करता है पांचों की पांचों, कैसे माने हम, कैसे जाने चीज को हम, उस पर हमने कल चर्चा की थी। अभी आगे बढ़ते हैं, अघाती कर्मों के कारण किस प्रकार दुखी है जीव, कि अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। कि देखो, अघाती कर्मों में दोनों तरह की प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृति भी है, पाप प्रकृति भी है। घाती कर्मों में तो है ही नहीं पुण्य प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियों का भेद है, वो अघाती कर्मों में है। तो अघाती कर्मों में दो तरह के भेद हो गए, पुण्य रूप प्रकृति, पाप रूप प्रवृत्ति। उनमें एक इंद्रिय जीवों को विशेष रूप से, या मुख्यतः, या अधिकांश है, या मीन्स मैक्सिमम टाइम पाप प्रकृतियों का ही उदय है, कि उन्हीं उन्हीं प्रकृतियों के उदय की वस्तु उसने ये पर्याय पाई है, उसने ऐसी पाप रूप परिणामों के बल से पर्याय पाई है, तो उसको उदय भी वैसा ही आना है पाप प्रकृतियों का। उसके ने यदि परिणाम शुभ रूप किए होते तो उसको ऐसी पर्याय नहीं भी मिलती, और उसको ऐसी पर्याय मिली है इन्हीं पाप प्रकृतियों की वजह से मिली है, तो पाप प्रकृतियों का ही उसको मैक्सिमम टाइम उदय रहता है। वहां असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं, कि जब असाता वेदनीय का उदय आता है
तो असाता वेदनीय के उदय होने पर उसके निमित्त से महा दुखी होते हैं। कि देखो हम भी यदि कल भी मैंने कहा था एक इंद्रिय जीवों के दुखों की कंपेरिजन अपने से करके देखेंगे, क्योंकि हम अपने दुखों को जानते हैं, दूसरे दुख को हम नहीं जानते। तो इस कंडीशन में हमको क्या दुख होता है और हम कितने सामर्थ्यवान हैं, हमको कितना छवसम है, हम कितना जानते हैं, उन सब चीजों को विचार में रखते हुए यह जीव कितना दुखी है उसकी हम उसका हम पता करेंगे। तो असाता वेदनीय का जब उदय आता है, पाप प्रकृतियों का उदय आता है, तो हम कितने दुखी होते हैं, जबकि हम विवेकवान हैं, बुद्धिवान हैं, हम विवेक कर सकते हैं उस समय भी, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं। तो वह जीव तो बेचारा एक इंद्रिय जीव कुछ विवेक भी नहीं कर सकता, विचारने की शक्ति नहीं है उसमें, तो वो उस असाता वेदनीय के निमित्त से कितना दुखी होता होगा। इसी यहाँ लिखा ना कि महादुखी होते हैं, दुखी नहीं लिखा, महादुखी होते हैं, मीन्स उनके दुखों को कहने में कोई समर्थ नहीं है। इसीलिए देखो जहां जहां भी दुख की बात आ रही है, ऊपर भी आया था, अभी आ रही है क्या आवाज? आती है बराबर। ओके, कहाँ चला था? हाँ, कि असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। तो असाता वेदनीय का उदय जब हमको आता है, तो हम विवेकवान बुद्धिमान होते हुए भी, विचारने की शक्ति होते हुए भी, हित अहित का विचार कर सकते हैं ऐसी बुद्धि होते हुए भी हम दुखी हो जाते हैं। तो वह एकेंद्रीय जीव बेचारा ना विचार कर सकता है, ना उसमें विवेक है, हित अहित का विचार वो कर नहीं सकता। तो उसको जब असाता वेदनीय का उदय आता है, कितना दुखी होता होगा। तो उसके पनी टोटे में लिखा महादुखी है। कि एकेंद्रीय जीवों के दुखों को कैसे कहें, शब्दों में नहीं कह सकते। इसलिए देखो पंडित टोडरमल जी ने जहां जहां भी एक इंद्रिय दुखों को लिखा, महादुखी लिखा। देखो ऊपर फर्स्ट पे भी लिखा ना, अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता परंतु महादुखी है। कि दुखी महादुखी है, थोड़ा बहुत दुख नहीं है उसको। और ऐसे दुखों को हमने अनंतों बार भोगा है, अनंतों बार ऐसे दुखों को सहकर आए हैं हम। एक बार दो बार नहीं, अनंतों बार सहा ऐसे दुखों को, नहीं फिर भी यह जीव उसी में रचा पचा पड़ा है, उसी में अपना परिणमन कर रहा है, उसी को अपना जान रहा है। ये समझ ही नहीं रहा कि इन दुखों को हमने ही भोगा है। कि देखो दूसरे के किसी जीव के दुखों को देखकर हमको ऐसा लगता है कि बेचारा कितना दुखी है, बेचारे को कुछ ज्ञान नहीं है, बेचारा कितना गरीब है, इसके पास ये चीज नहीं है, इस चीज का अभाव है, ये है और वो है। हमें सारी बातें करते हैं, होना भी चाहिए, करुणा भाव है, आना भी चाहिए, वो भी नहीं आया तो फिर हम शराबा कैसे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और हमको आनी चाहिए उस समय विचार में, कि ऐसे दुखों को हमने भी अनंतों बार भोगा है, अनंतों बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंतों बार भोगा है, और फिर भी हम उसी में रचे पचे पड़े हैं। तो उसका भी हमको विवेक रहना चाहिए। अरे अभी किसी की दुर्दशा देखकर हमको लगता है कि बेचारा कितना दुखी है, तो ये बेचारा आज ये है, पहले हम भी बेचारे थे, और ये अभी भी हमने यदि पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म को नहीं समझा, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं जगाई, तो ऐसे बेचारे हम दोबारा हो जाएंगे। आज हम उसको बेचारा कह रहे हैं, कल कोई हमको बेचारा कहेगा, उसका हमको विचार करना चाहिए। तो एक इंद्रिय जीवों के दुखों को भी देखकर हमको ही लगना चाहिए कि ऐसे दुख हमने अनंतों बार भोगे हैं। और पहले पनी टोडरमल जी बता के आ चुके हैं इस जीव का अनादि से लेकर अब तक जो अनंत काल बीता है, उस अनंत काल का भी मैक्सिमम समय इस एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है। वहां हमने बात की थी कि 10 पर्याय को, तो जो अभी तक अनंत काल बीत चुका है हमारा, उस अनंत काल में
जो हमारा तत्पर्याय का काल है पूरा, दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी संगी सारे, उसमें सारे तिर्यंत, नारकी, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय सब कुछ आ गया तत्पर्याय में। उस तत्पर्याय हम कितना टाइम रहे हैं अनंत काल में से, सागर में बूंद बराबर भी नहीं है उस समय। मतलब बूंद से छोटा हम क्या कहें, कह नहीं सकते। सागर में बूंद से छोटा क्या कहेंगे, तो सागर में बूंद बराबर भी नहीं है, उससे भी कम काल हमने बिताया है तत्पर्याय में। और इतना सागर जितना काल हमने इसी एक केंद्रीय पर्याय में बिताया है। हमने देखा था ना असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब पुद्गल परावर्तन भी कैसा, एक पुद्गल परावर्तन कैसा कि जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। ये भाव वासना करके देखे हम उसकी भाव वासना नहीं कर पाते कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन। पहले पुद्गल परावर्तन कितने असंख्यात हैं, अनकाउंटेबल हैं, और उसमें भी एक पुद्गल परावर्तन कितना कैसा है कि उसका अनंतमा भाग करें, कोई दसवां सौवां हजारवां भाग नहीं कह रहे, अनंतमा भाग। उसके अनंतमा भाग में भी अनंत सागर हैं, तो काल कैसा होगा, कितना लंबा काल होगा। उतने काल तक इन दुखों को हम सहके आए हैं कि अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, वहां असाता वेगनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। किस प्रकार दुखी होते हैं, असाता वेगनीय का उदय किस प्रकार आता है, वनस्पति है सो पवन से टूट जाती है, हवा चली बहुत तेज, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, वृक्षों की डालियां टूट जाती हैं, है ना, होता है, प्रत्यक्ष देखा है हमने। अभी तूफान आया था उसका भी आपने देखा होगा कि वृक्षों की डालियां टूट रही हैं, वृक्ष टूट टूट के गिर रहे हैं, मकान उड़ रहे हैं, है ना। तो पवन आती है, जब हवा तेज चली, वो तूफान क्या है, तूफान आ रहा है, हवा चल रही है उस समय काफी तेज, तो उससे वनस्पति क्या टूट जाती है, तो टूटना क्या है, असाता वेदनीय का उदय है। आज कोई हमारे शरीर के अंग को तोड़ के देखे हम कितने दुखी होते हैं, तो उस पवन से उसकी वनस्पति टूट रही है, उसकी डाली टूट रही है, वो डाली उसका अंग है, उसके शरीर का अंग है, वो डाली पवन से टूट रही है तो भी उसको दुख होता है, और हम तोड़ते हैं तो भी उसको दुख होता है, और हम व्यर्थ में तोड़ने में लगे रहते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि हमें व्रत से डाली टोरी तो हमने कोई पाप किया है, हमने किसी जीव को दुखी किया है, हमने किसी जीव की हिंसा की, लगता ही नहीं है हमको। हम किसी से कहें भैया हिंसा क्यों करते हो, अरे हिंसा कहाँ कर रहा हूं मैं तो जीव की हिंसा ही नहीं करता, कोई हिंसा नहीं करता, मैं तो कोई पाप कार्य ही नहीं करता, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वह जीव कितना दुखी हो रहा है वो विचार करके देखें, डाली टूटने से भी, ये डाली है, पत्तियां जो भी है, उसके शरीर का अंग है वो सब। तो वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, सर्दी गर्मी पड़ती है, सर्दी गर्मी से सूख जाती है। अब जैसे गर्मी है काफी ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो वनस्पतियां क्या होती हैं, सूख जाती हैं, जल ना मिलने से सूख जाती है, जल नहीं मिलता तो सूख जाती हैं, अग्नि से जल जाती हैं, उसको कोई छेदता है, कोई भेदता है, कोई मसलता है, कोई खाता है, कोई तोड़ता है, इत्यादि अनेक अवस्था होती हैं। सारी अवस्था किससे हो रही हैं कि उसका तो असंता वेदनीय का उदय है, और जीवों की पाप प्रवृत्ति है, जीवों के दुष्परिणाम है कि वो तोड़ने से, भेदने से, मसलने से, खाने से बाज नहीं आते, चूकते नहीं है, और बेमतलब व्यर्थ में तोड़ते हैं। अरे महाव्रती नहीं है जीव अभी कि पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन अनुव्रत में भी वह जीव व्यर्थ में नहीं तोड़ता वनस्पति आदि को भी। त्रसे हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, कि व्यर्थ में स्थावक को भी, स्थावक का भी संहार नहीं करता,
व्यर्थ में बृहस्पति आदि का अग्नि का जल का जीवों का भी संहार नहीं करता, और ये हम व्यर्थ में लगे रहते हैं, खड़े हैं वृक्ष के पास, किसी वृक्ष के पास खड़े हुए हैं, कोई छोटा पौधा उसके पास खड़े हुए हैं, तो बात करते जा रहे हैं किसी से, पत्ती तोड़ रहे हैं, उसकी पत्ती को हाथ में लिया तोड़ा, दूसरी पत्ती ली फिर तोड़ा, कोई डाली तोड़ ली, कुछ कर लिया, है ना। ऐसे हर चीज में लगा सकते हैं, ये तो वनस्पति की बात की यहाँ पे, हम हर चीज में लगा सकते हैं। जैसे हम मान लो रसोई में खड़े हुए हैं, अपने गैस स्टोव के पास खड़े हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लाइटर हाथ में है, बार बार गैस को जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, व्यर्थ में कोई मतलब नहीं है उसका, तो अग्नि को जला रहे हैं, व्यर्थ में पानी को फैला रहे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो वनस्पति का हमको दिखता है ऐसा, भी टूट रही है, सूख रही है, कोई तोड़ रहा है, कोई भेद रहा है, इसलिए यहाँ वनस्पति काय की बात ली है यहाँ पे, बाकी उसको सब पर घटा सकते हैं, चाहे वो जल काय को, वायु काय को, अग्नि काय को, वनस्पति काय को, कुछ भी हो, पृथ्वी काय को। तो ये सब क्या है, उसका तो असाता वेदनीय का उदय है, और असाता वेदनीय की वजह से वह जीव महादुखी होता है, कि वनस्पति है जो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल ना मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, कोई भेदता है, कोई मसलता है, कोई खाता है, कोई तोड़ता है, इत्यादि अनेक अवस्था होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्था होती है, लिखा ना, यथासंभव पृथ्वी आदि में, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु काय सब लगाना, कि सब में अवस्था होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। अब देखो यहां से पता चला ना, हम अब तक क्या कुल्लू क्या कहते हैं, फूल तोड़ने में क्या है, फूल तोड़ने में कौन सी हिंसा है, कि देखो यहां से क्या कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान, कि तुम यदि उस वनस्पति को टोड़ रहे हो, खा रहे हो, मसल रहे हो, छेद रहे हो, भेद रहे हो, तो वह जी महादुखी हो रहा है, और वह जी महादुखी हो रहा है तो तुम उसकी हिंसा कर रहे हो, अरे तुम उसके शरीर के अंग को अलग कर रहे हो तो तुम हिंसा कर रहे हो, और उसका शरीर ऐसा है, लेकिन मनुष्य क्या मांगते हैं, ये वाला शरीर शरीर है, दूसरा कोई शरीर ही नहीं है, वृक्षों का कोई शरीर होता है, मानते नहीं है, उनको ये शरीर शरीर लगता है, बाकी शरीर शरीर नहीं लगते। लेकिन जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि जो जीव संसार में रह रहा है उसके साथ ये पुद्गल रूप पर्याय जुड़ी हुई है, इच्छित अवगाह संबंध है उसका पुद्गल के साथ, अब उसकी शरीर ऐसा है, हमारा शरीर ऐसा है, लगता नहीं है लेकिन जीवों को। तो यहां से पता चलता है हमको कि वो भी कितने दुखी होते हैं, डाली टूट जाए, सूख जाए, जल जाए, अग्नि से कोई छेदे, भेदे, मसले, खाए, टोड़े, तो महादुखी होते हैं वो जीव, कि उसी प्रकार यथासम पृथ्वी आदि अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं, जो कितनी बार लिख रहे हैं पंडित जी, महादुखी महादुखी महादुखी। लेकिन हम इस चीज का विचार ही नहीं करते हैं, विचार करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, लिखा ना, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था हो, पानी ना मिले, गला सूख रहा हो, कैसा व्याकुल होता है जीव, बहुत तेज हवा चल रही हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो बाहर, तो कैसा दुखी होता है जीव। मनुष्य तो क्या है, अपने घर में जाके छुप सकता है हवा से, बच सकता है हवा से, ये वनस्पति काय कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो वृक्ष, उसको तो वहीं खड़े रहना है। कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका
क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है, उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। क्यों? देखो, इन अवस्थाओं का जो जानपना हो रहा है, इन अवस्थाओं का वो जानपना स्पर्शन इंद्रिय से ही हो रहा है। भाई हमने भी हवा हवा चल रही है महसूस किया, स्पर्शन इंद्रिय से किया, तो उन्होंने हवा महसूस किससे कर रहे हैं? वो स्पर्शन इंद्रिय से कर रहे हैं, मनुष्य स्पर्शन इंद्रिय से करता है, उनको स्पर्शन इंद्रिय विद्यमान है। भाई कोई उनके शरीर को कट कर रहा है ना, किसी ने चाकू चलाया हमारी बॉडी पे, स्पर्श से हमको पता चला, स्पर्श से महसूस हुआ हमको उधर। तो ऐसा जानपना स्पर्शन इंद्रिय से हो रहा है मनुष्य को, और उसके स्पर्शन इंद्रिय तो है, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के बस से महाव्याकुल होता है, कि उससे वह जीव महाव्याकुल होता रहता है, प्रत्येक समय महाव्याकुल होता है। कि देखो अवस्था तो ऐसी हो रही है, लेकिन यहां भी क्या कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था, वो अवस्था दुख का कारण नहीं है। क्या लिख रहे हैं? मोह के बस से व्याकुल होता है, कि मोहिनी के बस से, कि वहां भी मोहिनी उपस्थित है। यदि मोहिनी नहीं हो वहां पर, तो वहां भी व्याकुलता नहीं हो, लेकिन वहां मोहिनी विद्यमान है, और मोहिनी विद्यमान है इसलिए वह जी महाव्याकुल होता है। परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। कि अब वह जीव ऐसी अवस्था होने पर दुखी हो रहा है, और मोह का साथ है, मोह के साथ होने पर महाव्याकुलता हो रही है, लेकिन फिर भी उस जीव में लड़ने की, भागने की, पुकारने की सामर्थ्य नहीं है। वो वहां से भाग नहीं सकता, वो लड़ नहीं सकता, वो सहायता के लिए पुकार नहीं सकता, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी अवस्था हो रही है, और ऐसी अवस्थाओं के होते हुए दुखी भी हो रहा है, लेकिन बेचारा क्या करे, ना भाग सकता है, ना लड़ सकता है, ना किसी को पुकार सकता है, ना कुछ कर सकता है। मनुष्य तो क्या है, भाग भी सकता है, लड़ भी सकता है, किसी को सहायता के लिए पुकार भी सकता है, लेकिन यह जी तो ये भी नहीं कर सकता। परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है, इसीलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कि इसीलिए जो अज्ञानी लोग हैं उनके दुख को जानते नहीं, उनको लगता ही नहीं दुख है। क्योंकि यदि बाहर में ऐसी क्रिया हो रही होती, बाहर में ऐसा परिणमन हो रहा होता, बाहर में ऐसे उपाय करते हुए दिखते, वो भी जैसे हम उपाय करते हैं, तो हमको लगता है कि कसाय करते हैं, ये दुखी है, लेकिन हमको लगता नहीं है वो दुखी है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर सकते एसन की। मनुष्य तो एसन की रिएक्शन कर देता है, लेकिन ये एक इंद्रिय जीव एसन की रिएक्शन नहीं कर सकते, इसलिए अज्ञानी लोग इनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। कि कदाचित साता का उदय होता भी है, तो वो बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत बलवान नहीं होता। कोई थोड़ा सा साता का उदय ऐसा आया जिसका इफेक्ट भी नहीं दिखा, ऐसा साता का उदय आता है उनको, कि साता का उदय बलवान नहीं होता। तो ये हम इससे ये आवाज कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य को सर्दी है, और सर्दी में ठंड लग रही है, दुखी हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, तो कैसा दुखी होता है। हम विचार करके देखें कि जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं सर्दियों में, कैसे दुखी रहते हैं, उनको ओढ़ने को नहीं है, और गवर्नमेंट बांटने लग गई अभी तो, और उनको ओढ़ने को नहीं है, कैसे दुखी होते हैं। अभी वृक्ष भी हैं, इनके पास भी तो शरीर है ना, इनको भी सर्दी लग रही है, शीत उष्ण का इनको लग रहा है, और वो लग रहा है यदि शीत उष्ण का, तो जैसे हम दुखी होते हैं वैसे वो दुखी होते हैं। परंतु भागने की, लड़ने की, पुकारने की शक्ति नहीं है, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते।
तथा कदाचित चिंतिसाता का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। तथा आयु क्रम से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास की 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर मूलत आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है कि आयु क्रम की उदय से जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीवों में अपर्याप्तक जीव भी हैं, पर्याप्तक जीव भी हैं। तो अपर्याप्तक जीव हैं उनकी तो पर्याय कितनी है, उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र। अब देखो इससे एक और चीज है जो मुझे कहनी थी, मैं अभी तक नहीं कही क्योंकि बात यहाँ आने वाली थी। जैसे हम पढ़ते हैं, हम पूछे निबोध के दुख कैसे हैं, तो आप क्या कहोगे, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भाग, कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता ने गोदिया जीव। लेकिन यह बात सत्य नहीं है पूरी तरह से। अब आप कहोगे भाई छह डाला है पही डाल में, तो यही आता है कि एक श्वास में 8-10 बार, कि हाँ आता है, गलत नहीं लिखा पंडित दौलत राम जी ने। तो आप गलत क्यों कह रहे हो कि गलत नहीं कह रहे हम, लेकिन सारे निवोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करते। कौन से जीव करते हैं, जो अपर्याप्तक जीव है, वो अपर्याप्तक जीव 18 बार जन्म मरण करता है। जो निगोद में भी पर्याप्त जीव हैं तो वो नहीं करते, सारे जीव अपर्याप्त नहीं है, पर्याप्त जीव भी हैं जिनकी पर्याय कुछ समय रहती है। लिखा ना यहाँ पे कि इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। तो जो ये अपर्याप्त जीव हैं, अब देखो अपर्याप्त जीव क्या होते हैं, कि जब जीव नया शरीर धारण करता है तो कुछ पर्याप्तियां होती हैं, उन पर्याप्तियों को पूरा करता है, उन पर्याप्तियों को पूरा अंतर मुहूर्त में कर लेता है। लेकिन जिस जीव को अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, वह जीव इन पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता वह जीव, और उससे पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। तो उसको कहा कि उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र, यानी कि एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास के 18वें भाग में एक बार उसका मरण हो गया। अब दोबारा नई पर्याय मिली, दोबारा अपर्याप्त नामकरण का उदय रहा, तो दोबारा मरण हो गया। इस प्रकार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर देता है अपर्याप्तक जीव। तो एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। और पर्याप्तक जीव है उनकी अंतर मूर्त आदि कितने वर्ष पर्यंत है, कि जो पर्याप्त जीव है उनमें अंतर मुहूर्त भी रह सकती है, एक एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, एक वर्ष, अनेक वर्ष भी हो सकते हैं। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी हैं। कि यदि आयु उससे थोड़ा हो तो जीव जन्म मरण कर रहा है, बार बार जन्म मरण कर रहा है। आयु आयु से खत्म हुआ मरण हो गया, फिर जन्म किया, फिर आयु से कम हुआ तो फिर मरण हो गया, तो ऐसे जन्म मरण का दुख लगा ही रहता है, इस कारण वे महान दुखी है। तथा नाम कर्म में तिरियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है, कि नाम कर्म में भी तिरियंच गति में एक आते हैं, तो एक केंद्रीय जीव है उनको भी तिरियंच में कहा जाता है। तो तिरियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है, किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवान पना नहीं होता। देखो पुण्य प्रकृति भी कैसी होगी, हीन होगी, पुण्य प्रकृति भी अच्छी नहीं होगी, कोई हीन पुण्य प्रकृति होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम अनुभाग वाली होगी, बहुत कम स्थिति वाली होगी, स्थिति अनुभाग उसका बहुत कम होगा। तो ऐसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवान पना नहीं होता, और बलवान पना नहीं होता इसलिए उनसे भी मोह के बस में दुखी है जीव। पर्याप्त पना नहीं है तो दुखी है, पाप प्रकृतियों का उदय तो दुखी है, पुण्य प्रकृतियों का कदाचित किसी समय उदय आ भी गया साता वेदनीय का, तो वो भी हीन वाला आएगा और बहुत कम समय के लिए आएगा, बलवान पना नहीं है उसका भी, इसलिए उनसे भी मोह के बस में यह जीव दुखी है। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, उच्च गोत्र का उदय तो है ही नहीं वहां पर, इसीलिए मेहनत नहीं होती,
इसलिए भी दुखी ही है। इस प्रकार ये केंद्रीय जीव महादुखी है और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काय रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र कार्य रहता है ना। जैसे संसार पत्थर है कि पत्थर पृथ्वी पर तो बहुत समय रहता है, आधार पर लिखा ना, आधार पर, आधार का मतलब है कि जो ये पृथ्वी का आधार है, तो ऐसे पृथ्वी आदि पर तो बहुत समय तक रहता है, लेकिन उसको आकाश में फेंका जाए तो आकाश में कितने टाइम तक रहेगा, उसको आकाश में पत्थर को कितने समय तक रखा जा सकता है कि तुरंत नीचे आता है। तो इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत कार्य रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र कार्य रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में बहुत कार्य रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र कार्य रहता है कि अन्य पर्यायों में तो कदाचित और किंचित मात्र काल रहता है, बस कभी कभी अन्य पर्याय मिलती हैं और वो भी किंचित मात्र मिलती हैं, कुछ समय के लिए मिलती हैं। इसीलिए यह जीव संसार में महादुखी है। कौन सा जीव? ये केंद्रीय पर्याय वाला जीव महादुखी है। विचार करें, जैसे वो पत्थर है वो थोड़े से काल में ही नीचे गिर ही जाता है, आकाश में रह ही नहीं पाता, वैसे यह जीव है अन्य पर्याय में तो बहुत कम समय रहता है, इसी में रहता है वो ज्यादा। न्यू आदि एकेंद्रीय पर्याय बहुत लंबे काल तक रहता है, अन्य पर्याय में कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसीलिए यह जीव संसार में महादुखी है। इसके दुखों का विचार करें, दुख कैसे हैं इसके। अरे निगो से ऊंचा चढ़कर मनुष्य पर्याय को पा लिया हमने अभी, और यदि हमने अभी अपने स्वरूप का भान नहीं किया तो फिर से हमको यही पर्याय मिलने वाली है, एकेंद्रीय पर्याय। जिस एकेंद्रीय पर्याय को हम दुखों को पढ़ के कैसा लग रहा है, एकेंद्रीय पर्याय कैसी है, कितनी दुखी है वो जीव, कितना दुखी है, महादुखी है। तो ऐसे महादुखी हम होने वाले हैं यदि हमने अपने स्वरूप का भान नहीं किया तो, आप हम सब होने वाले हैं यदि हमने स्वरूप का भान नहीं किया तो। मोच महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, कि मोच महल की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी यदि हमने तो फिर ये पर्याय मिलेगी, पक्के से मिलेगी। उस पर्याय को मिलने से कोई टाल दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है, सब में दस में सामर्थ्य है, बस किसी और में सामर्थ्य नहीं है, इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र आदि किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो तुमको इन एकेंद्रीय पर्यायों में जाने से बचा ले, वो सामर्थ एकमात्र सम्यक दर्शन में है बस। तो हमको शरण किसकी जाना, इंद्र की जाना कि नरेंद्र की जाना कि किसकी शरण में जाना, एकेंद्रीय पर्याय से बचने के लिए, किस जिसमें सामर्थ है भाई। कोई प्रजा है, वो प्रजा राजा के पास क्यों जाती है, कि उनको पता है कि भाई इस राजा में सामर्थ है हमें इससे बचाने की, और जब उसमें सामर्थ है तो उसमें यदि सामर्थ है तो बचा लेगा, ऐसा हम जानते हैं, और जब हम ऐसा जानते हैं कि बचा लेगा तो उसकी शरण में जाते हैं। वैसे इन एकेंद्रीय पर्याय में जाने से हमको एकमात्र सम्यक दर्शन ही बचा सकता है, इसीलिए हम भी उस सम्यक दर्शन की शरण करें, सम्यक दर्शन की शरण में जाएं। सम्यक दर्शन की शरण में जाने से ही समय दर्शन की शरण में जाने से ही हम एकेंद्रीय पर्याय आदि में जाने से बच सकते हैं, इस अनादि काल के संसार में भटकने से बच सकते हैं। इसलिए समय दर्शन को पाने का प्रसाद करें, समय दर्शन की प्राप्तता जगाएं अपने में, इससे हमको ये जानना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। यदि ये विचार हमने नहीं किया तो सिर्फ सेवसम बढ़ाने जैसा स्वाध्याय हो जाएगा अपना, जो हमको नहीं करना है। हमको अपने हित के लिए स्वाध्याय करना है, छप्सम बढ़ाने के लिए नहीं करना है। इस पे का विचार करते हुए हम सब भी
उस शुद्धात्म तत्व को जानने का पुरुषार्थ करें, शुद्धात्म तत्व को जानने के लिए समय निकालें, और शुद्धात्म तत्व को जानकर तत्वों की यथार्थ श्रद्धा कर उस समय दर्शन को ग्रहण करें, जिसको ग्रहण करने के बाद प्रथम नरक भी निष्ठ भू जो बहान भवन शरणारी थावर विकर्त रह पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। विचार करके देखो समय दर्शन कितना महान है, हमें उसकी महानता का भी ख्याल नहीं है। ऐसा करके हम समय दर्शन को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें और समय दर्शन ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। चिन्मानी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी।